मेरे भाई, हम वो पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कभी भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे आप हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो 1970 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़े थे तो वो भी कहते थे कि जी उन्होंने अपने तरफ से तो और लाडले बनाए हुए थे। 88 में भी उन्होंने सारे को जमा किया था IGI, फिर 90 में बनाई उन्होंने जाके। 2007 में भी पीपी को शहीद करने के बाद, हमारी लीडरशिप खत्म करने के बाद लोगों ने वोट दिया, हमारी हुकूमत बनी। इंशाल्लाह ताला 2024 में भी अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी देते हमें तो कभी एतराज अब जरूर हम बताएंगे कि ये चीजें हो रही, इलेक्शंस में हम हिस्सा लेते हैं और इंशाल्लाह ताला 2024 की इलेक्शन में हिस्सा लेके अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले तो जिनको जरूरत है ना वो लाडला बनने की, वो लाडला बने। हमें जरूरत है अवाम के पास जाने की, हम अवाम के पास जाएंगे। असेंबलियों में सारी पॉलिटिकल पार्टी पर मुश्तमिल थी, MQ ने उसको सराहा, नवाज लीग ने सराहा, PTI तो खैर थी ही नहीं क्योंकि उन्होंने बायकॉट किया था उस इलेक्शन का 2008 में। ये जब मसला क्या था कि हम जी आईनी तरफ जाएं, 58(2) भी खत्म करना और दूसरी चीजें सियासत को मजबूत करने के लिए, आईन को मजबूत करने के लिए उस तरफ जाएं जिसके लिए हमने कोड़े वोड़े भी सब खाए थे और उसमें सारी जमातें थी और सारी जमातों ने यह कहा अगर करना है ना तो फिर जो बात रही हुई है वो ये है कि हमें ज्यादा सूबाई अख्तियारात चाहिए। अगर करनी है बात तो सूबाई अख्तियारात, ये न कहो कि जी सूबाई खुद मुख्तारी देने से वफा कंगला हो गया। ये अल्फाज जो किसी इमरान ने कहे थे या आज नवाज शरीफ कहने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ इशारा मत करो क्योंकि आईन बड़ा मुश्किल से बनता है और ये आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम को खत्म करने के लिए पता नहीं 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो मैं इस पे तो कह सकता हूं कि भाई हमारे NFC के अवार्ड में हमें और भी मजबूत करो। NFC अवार्ड दो दफा नहीं दिया गया, 2015 में NFC अवार्ड देना चाहिए था, नहीं मिला, नवाज शरीफ ने नहीं दिया, 2020 में मिलना चाहिए था, इमरान खान ने नहीं दिया, अब 24 आ रही है और 24 के बाद 25 में मिलना चाहिए। अब ये NFC अवार्ड में पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा भी बढ़ता है, तो हम तो उस तरफ तो सोचेंगे। बाकी ये कि तरमीम हमें सूबाई खुद मुख्तारी खत्म कर दो, ये तो किसी सूरत में कबूल नहीं। पीएफसी में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं सूबाई हुकूमतें। 140A लेटर इंप्लीमेंट हो चुकी है, वो तो हो रही है, जब सबको मिल रहा है, सबको पता है कि जी इस कानून ये है और इस कानून के तहत अख्तियारात भी हैं, ये भी है, सब कुछ है, तो फिर मैं क्या कहूँ कि जी क्यों नहीं हो रही है? हो रही है, बाकी सिर्फ है कि जी PFC अनाउंस नहीं हुआ, जिसकी शिकायत है वो दूर की जा सकती है। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सर तो उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। मकसद क्या है? 18वीं तरमीम का नाम लेके मैनोफेस्टो में कुछ ना कुछ डालने का मकसद हमें डराता है, हमें हमें शक पैदा करता है।